मंत्री ने आज तक से खास बातचीत में बताया कि आज स्कूलों को परीक्षा के दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। छात्रों बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, दसवीं बारी के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। आप सभी को बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बता देना चाहते हैं यह बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज बोर्ड विभाग से, शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई आ रही है। आप सभी को बताएं, अगर आप भी दसवीं बारी के छात्राएं हैं 2023 में, अगर आप भी दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं में आप हिस्सा लेने वाले हैं वह आप इस बार बोर्ड परीक्षाओं को देंगे, तो आप सभी के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आप सभी को बताएं क्या बड़ी वह मुख्य ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी को बता देना चाहते हैं यह बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज जो है। जी हाँ, आप सभी को बताएं यह बड़ी अपडेट जो है, अभी सबसे पहले शिक्षा विभाग के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, वहां के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से आप सभी दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए जारी की गई है। आप सभी को बताएं दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षा का पेपर पाठ्यक्रम किस प्रकार होगा, इसी के साथ बोर्ड परीक्षा के पेपर को लिखने के तरीकों को सरल बनाने के लिए सरकार ने आज दो बड़ी मुख्य घोषणाएं की, जिसके चलते दसवीं बारी के छात्राओं के लिए एक बड़ा मुख्य तरफ से एक अवसर निकल सामने आया, जिससे कि बोर्ड विद्यार्थियों को पास होने की सबसे ज्यादा उम्मीदें बढ़ सकती हैं। जी, आप सभी को बता देना चाहते हैं बड़ी खुशखबरी। आप सभी को एक बार फिर से बता दें आखिरकार आप सभी का पेपर किस प्रकार आएगा, आप लोगों को क्या होगा, आप सभी को पूरी जानकारी देने वाले इस वीडियो के अंतर्गत। तो साथियों, उससे पहले अभी तक चैनल पर हम नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो के आखिर तक बने रहेगा। जी हाँ, तो चलिए दोस्तों, आप सभी को बताएं दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षाओं को देखते हुए स्कूलों में पाठ्यक्रम जिस हिसाब से पूरा हो, स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं, वहीं स्कूलों में पाठ्यक्रम भी 100% पूरा हो चुका है। प्रैक्टिकल एग्जाम की डेट भी घोषित की जा चुकी है। आप सभी को बताएं दसवीं बारी की बोर्ड परीक्षा के जो प्रैक्टिकल एग्जाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक या सेकंड लास्ट वीक से आप सभी के स्टार्ट करके आप सभी के जनवरी के सेकंड वीक तक संपन्न कराए जाएंगे। वहीं आप सभी के दसवीं बारी के छात्राओं की बोर्ड परीक्षा की तारीखों का ऐलान भी कर दिया गया है। जी, आप सभी को बताएं 6 फरवरी 2023 के दिन से दसवीं बारी के बोर्ड परीक्षाओं के पेपर को स्टार्ट कर दिया जाएगा। जी, आप सभी को बताएं कि सरकार ने इसके अलावा आप सभी के लिए क्या बड़ी मुख्य घोषणा की। सरकार ने बताया कि इस बार दसवीं बारी के जो छात्र छात्राएं उनका इस बार प्रकार प्रकार से पेपर सेट किया जाएगा, जिससे कि स्कूलों में जो विद्यार्थियों को पेपर हुए उसमें आप सभी का परफॉर्मेंस देने के अलावा ही आप सभी का परफॉर्मेंस देखा गया, उसके बाद ही आप सभी का पेपर को सेट करने के आदेश जारी हुए। यानी कि आप सभी को स्कूलों में जिस हिसाब से आप सभी प्री बोर्ड परीक्षाएं आई थी उसी हिसाब से आप सभी के पेपर आने की सबसे ज्यादा संभावना है। आप लोगों को बताया सरकार ने बोर्ड परीक्षा के पेपर के लिए विद्यार्थियों को लिखने के तरीके को सरल बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए दो बड़े मुख्य घोषणा किए हैं। जी, आप सभी को बताया विद्यार्थियों के लिए कहा गया है कि विद्यार्थी यह अच्छी तरीके से ध्यान रखें, पहले पेपर को पढ़ें या पेपर में जो क्वेश्चंस को आप सभी को मालूम है सबसे पहले वो क्वेश्चंस लिखें या फिर। जी हाँ, इसके अलावा सरकार ने बड़ी घोषणा की है कि दसवीं बारी के जो छात्र छात्राएं होंगे उनके लिए विद्यार्थियों को क्या करना होगा कि आप सभी को जिस भी क्वेश्चंस का आंसर मालूम हो तो आप सभी पहले लिखें, या इसके अलावा जो आपको क्वेश्चंस का आंसर नहीं मालूम है उनको भी लिखें। जी हाँ, आप जितना ज्यादा आप सभी को पेपर को अटेंड करेंगे उतने ज्यादा आप सभी का परसेंटेज बढ़ जाएंगे। आप लोगों को बताएं सरकार ने विद्यार्थियों को पास करने के लिए, विद्यार्थियों को अच्छे परसेंटेज के साथ पास करने के लिए सरकार ने दो नियम बनाए हैं कि विद्यार्थी या तो क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर लिखें या फिर विद्यार्थियों को क्वेश्चंस का अगर जो क्वेश्चन आया वो उस क्वेश्चन नहीं मालूम तो उसी पार्ट का जिस पार्ट से उस क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आया उसी पार्ट का कोई भी क्वेश्चन से लिख के वहां पे उस क्वेश्चन का आंसर लिख दे तो उस विद्यार्थी को उस क्वेश्चन के पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो इस तरह का रिलेटेड आंसर लिख देते हैं, बना बना के लिख देते हैं तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आप सभी को बताएं ये बड़ी राहत की अपडेट आप सभी दसवीं बारी के छात्र छात्राओं के लिए। इसके अलावा अगर आप सभी को बताएं क्या बड़ी अपडेट है तो आप सभी को बता देना चाहते हैं इसके अलावा बड़ी अपडेट इस प्रकार से कुछ है कि अगर दसवीं बारी के छात्र छात्राओं को और अच्छे तरीके से पास होना होगा तो क्वेश्चन बैंक का सहारा लेना होगा। जी हां, आप सभी को बताएं क्वेश्चन बैंक का मतलब यह हुआ कि आप सभी को क्वेश्चन का मतलब बिना सॉल्व अनसॉल्व यानी बिना सॉल्व किए हुए क्वेश्चन वह बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस वहीं से होते हैं या फिर आपको इसके बाद का बिलीव करना है, भरोसा करना है तो आप सबसे पहले एक काम करें, जो स्कूल में आप सभी के अभी तक जो पेपर हो चुके हैं जो अभी तक टोटल पेपर हो चुके हैं तो आप अनसॉल्व खोलें। अनसॉल्व अगर आपके पास नहीं तो नजदीक की दुकान पर उपलब्ध हो चुके होंगे आपसे, आप कौन से बोर्ड से हमें अपने बोर्ड का नाम कमेंट सेक्शन में लिखिएगा उसके लिए आप सभी को अपडेट और बताएंगे। जी, आप सभी नजदीकी दुकान से आप अनसॉल्व को परचेज कर लीजिए और अनसॉल्व जब आप परचेज करेंगे तो वहां से आप सभी को अनसॉल्व 2014 से सेट खोलेगा, एक साल में 7 सेट होते हैं तो वहां से आप क्वेश्चन मैच कीजिएगा। आप सिर्फ 2020 तक क्वेश्चन को मैच कर लीजिए, आपका 99.9% पेपर आप सभी का वहीं से आएगा, सिर्फ स्कूल की बात करें। और यही आप चाहे पिछले साल जो 2022 में बोर्ड परीक्षाएं हुई हैं उनका पेपर उठाइए, वह जो पिछले साल के अनसॉल्व हो वहां का पेपर आप अनसॉल्व लीजिए, वह 2014 से ओपन कीजिए, आप सभी का पेपर वहां से 99% आया था, यानी जो क्वेश्चन आए थे वहीं से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी कि आप सभी के लिए सबसे बड़ी मुख्य ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी यह ध्यान रखें कि विद्यार्थियों को अच्छे अंकों के साथ पास होने के लिए विद्यार्थियों को इस तकनीक को अपनाना होगा, क्वेश्चन बैंक से पढ़ें, वह लेसन को पढ़ें, वह दोस्तों मैथ वाले जो है और वह जो ग्रामर इंग्लिश ग्रामर है वह फिजिक्स केमिस्ट्री न्यूमेरिकल वगैरह समझना है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक का ही सहारा लेना होगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके अपने चैनल SPS न्यूज के माध्यम से पहुंचाएगी। आज तक की जानकारी में इतना ही, जानकारी अगर आप सभी छात्रों के लिए प्राप्त हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा।